एबीएन देख रहे समूह दर्शकों को हम लेके आए हैं फाजिका के वार्ड नंबर 10 में, जहां पर स्थानीय विधायक दुंदर सिंह कुमाया द्वारा वार्ड नंबर 10 की वसनीक को पंजाब प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी में सचिव पद के नियुक्ति पत्र लाकर दिया गया। उन्हें पंजाब प्रदेश महिला कांग्रेस में सचिव पद पर सेवा करने का मौका दिया गया। इस मौके उनके साथ फाजिलका नगर कौंसिल के प्रधान एडवोकेट सुरेंद्र सचदेवा के अलावा पार्षद जगदीश बजाज के अलावा गुरजीत सिंह, अर्जन देव, लवजीत सिंह, रामकृष्ण, राजकुमार, राम विनोद, वीना रानी, आशा रानी, राज रानी, आशा डोडा के साथ साथ राज सिंह, नथु चिष्टी, मास्टर जोगिंदर सिंह के अलावा कई कांग्रेसी वर्कर मौजूद रहे। इस मौके स्थानीय विधायक ने क्या कहा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ हमारी पूरी वीडियो देखें। पदवी मिली उस बारे की कहना जी अज मेन जो ओहदा मिलिया मेन बहुत खुशी हुई क्योंकि एम एल ए साहब ने मेनु एक वादा किया और जगदीश बजाज ने कि असी तुहानू बहुत मान सम्मान पार्टी च देंगे। जो मैं बीजेपी छड के आई थी इन्होंने मेरे नाल एक प्रॉमिस किया अज वादा पूरा किया इन्होंने मेनू अपने नालों भी ओहदा वड्डा दिता। मैं इन्हों का बहुत शुक्रगुजार हाँ और मैं पार्टी के विच बहुत मतलब दिल नाल काम करा। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜਿੰਦਰ ਹੈ। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।